हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीटीएस सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोग को डीटीएस का ऑल फ्रीक्वेंसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे टाटा स्काई, डिश टीवी, एयरटेल, वीडियोकॉन, सबका फ्रीक्वेंसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। जो लोग इस लाइन पे काम कर रहे हैं या नया सीखना चाहते हैं, काम करने के लिए इंटरेस्ट है, वो लोग ये वीडियो को ज़रूर देखें। क्योंकि किसी का भी सिग्नल सेट करे तो उसके लिए आपको टीपी की ज़रूरत है, जो ट्रांसपोंडर फ्रिक्वेंसी कहते हैं, उसकी ज़रूरत है। आप अपने मीटर में उसे पहले सेट करना होता है। पहले सेट करने के बाद आप किसी का सिग्नल सेट कर सकते हैं। तो बिना टीपी का आप किसी का भी सिग्नल सेट नहीं कर सकते। आप जो डिजिटल मीटर रखते हैं उसमें टीपी को एंटर करना बहुत ज़रूरी है। बिना टीपी से आप कोई काम नहीं कर सकते, उसका सिग्नल सेट नहीं कर सकते। इसीलिए ये वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको हर टीपी के बारे में आपको पता चल जाए। जितना डीटीएच है वो सबका टीपी के बारे में मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो पूरा ध्यान रखिए और इस टीपी को नोट कर लीजिए और अपने मीटर में सेव कर लीजिए। इसके लिए मुझे बहुत सारा कमेंट मिला था, रिक्वेस्ट भी आया था कि भाई जितना डिश है वो सबका टीपी मतलब फ्रीक्वेंसी के बारे में बताइए। तो उसी कमेंट के जरिए मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो जो लोग मुझे रिक्वेस्ट किए थे टीपी के लिए, तो पूरा वीडियो देख लीजिए, सबका टीपी के बारे में पता चल जाएगा। तो चलिए मैं फटाफट आप लोगों को सबका टीपी के बारे में बता देता हूँ। तो शुरू करता हूँ पहले मैं डिश टीवी से। सबसे पहले मैं आप लोगों को डिश टीवी का टीपी के बारे में बताऊँगा। तो देखिए, नंबर वन है डिश टीवी। डिश टीवी तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं डिश टीवी का टीपी के बारे में बताऊंगा। तो डिश टीवी का ट्रांसपोंडर फ्रीक्वेंसी है 12688 12688। इसका ट्रांसपोंडर फ्रीक्वेंसी है। और इसके बाद इसके साथ ज़रूरत होता है सिंबल रेट। तो इसका सिंबल रेट है फ्रेंड्स 27500। और इसके साथ पोलारिटी भी ज़रूरत होता है। इसका पोलारिटी है हॉरिजेंटल। तो फ्रेंड्स ये तीनों को मिला के हम टीपी कहते हैं। तो सबका ऐसा टीपी होता है। ये डिश टीपी का टीपी हो गया, इतना हमें मीटर पे एंटर करना होता है, इसके बिना हम सिग्नल सेट नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स ये डिश टीपी का मैंने टीपी बता दिया। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा एयरटेल का। सेकंड में एयरटेल का बताने जा रहा हूँ। तो उसी तरह ये देखिए, तो एयरटेल के लिए इसका टीपी है फ्रेंड्स, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एयरटेल टीवी। तो इसका फ्रेंड्स टीपी है, मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ, 11480। एयरटेल का 11480 है। और इसका सिंबल रेट है फ्रेंड्स 28800। सिंबल रेट 28800 2880। और इसका पोलारिटी है फ्रेंड्स वर्टिकल। पोलारिटी वर्टिकल है। फिर तीसरे में आता है टाटा प्ले। जो पहले टाटा स्काई था अभी वो टाटा प्ले हो गया है। तो उसका फ्रीक्वेंसी के बारे में बताऊंगा। उसका भी ट्रांसपोंडर फ्रीक्वेंसी है फ्रेंड 11050 1050। इसका ट्रांसपोंडर फ्रीक्वेंसी। इसका सिंबल रेट है फ्रेंड्स
सिंबल रेट 32,720, सॉरी 32,720, ये 32,720। तो सिंबल रेट 32,720 हो गया। फिर पोलारिटी इसका हॉरिजेंटल, पोलारिटी हॉरिजेंटल, एच फॉर हॉरिजेंटल, वी फॉर वर्टिकल, पोलारिटी हॉरिजेंटल। फिर फोर्थ पे आता है फ्रेंड्स वीडियो कोन, वीडियो कोन जिसे हम डी टू एच भी कहते हैं। तो उसी तरह उसका ट्रांसपोंडर फ्रीक्वेंसी होता है फ्रेंड्स 11,609, 11,609। फिर सिंबल रेट, इसका सिंबल रेट होता है फ्रेंड्स 43,978, ठीक है, सिंबल रेट होता है 43,978। और इसका पोलारिटी होता है फ्रेंड्स वर्टिकल, पोलारिटी होता है वर्टिकल, वी फॉर वर्टिकल। फिर फिफ्थ ऑप्शन पे आता है फ्रेंड्स सन डायरेक्ट, सन डायरेक्ट। तो इसका भी फ्रीक्वेंसी होता है 12,316, 12,316। फिर सिंबल रेट होता है 30,000 और पोलारिटी होता है हॉरिजेंटल, पोलारिटी हॉरिजेंटल होता है, ठीक है फ्रेंड्स, पोलारिटी हॉरिजेंटल होता है। फिर सिक्स्थ ऑप्शन पे आता है थ्री डिश, जिसे हम डी डी डायरेक्ट कहते हैं, वो होता है थ्री डिश, थ्री डिश। ज्यादातर घर में भी थ्री डिश लगा हुआ रहता है। तो उसका फ्रीक्वेंसी होता है फ्रेंड्स 11,510, 11,510। और सिंबल रेट होता है फ्रेंड्स 29,500, 29,500। और पोलारिटी वर्टिकल होता है, पोलारिटी वर्टिकल होता है। तो ये तो छः हो गया फ्रेंड्स। और लास्ट जो आखिरी बचा है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ, वो है बिग टीवी। अभी तो बिग टीवी ज़्यादातर चलता नहीं है, फिर भी कोई कोई कमेंट में बता देते हैं भाई बिग टीवी का फ्रीक्वेंसी दो। तो उन लोगों के लिए मैं इसका फ्रीक्वेंसी भी बता देता हूँ, जिन लोगों को ज़रूरत है नोट कर ले। तो इसका भी ट्रांसपंडर फ्रीक्वेंसी होता है 10,970, 10,970। और सिंबल रेट होता है फ्रेंड्स 32,720, 32,720। और जो पोलारिटी होता है फ्रेंड्स वर्टिकल होता है, ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपको पता चल गया। तो ये था पूरे 7 डीटीएच कनेक्शन का फ्रीक्वेंसी, टीपी जिसे हम ट्रांसपोंडर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसके जरिए आप अपने मीटर में ये फ्रीक्वेंसी सेट कर दीजिए, और इसके जरिए आप किसी का भी सिग्नल सेट कर सकते हैं बड़े आसानी से, और आपको किसी को पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना फ्रीक्वेंसी आप अपने मीटर में सेट कर लीजिए, फिर आप किसी का भी, चाहे डिश टीवी, एयरटेल, सन डायरेक्ट, टाटा स्काई, किसी का भी आप सिग्नल सेट कर सकते हैं। तो मैं हमेशा अपने वीडियो में इसी तरह का वीडियो लाके रहता हूँ, और जिन लोगों को सीखना है तो मेरे वीडियो देख के सीख सकते हैं। मैं ऐसा ही वीडियो अपने चैनल पे लोड करता रहता हूँ। और कुछ पूछने की बात हो, कुछ कोई मतलब डाउट हो, तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं ज़रूर उसका रेस्पॉन्ड करूँगा, या तो वीडियो बना के मैं आप लोगों को दे दूँगा। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।